Good morning. This is Aryan sir here from Bhardwaj campus. हम लोग बात करेंगे लेक्चर फोर की पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं फिलहाल सॉल्यूशन चैप्टर की. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा परसेंटेज कंसंट्रेशन, पीपीएम और पीपीबी, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी. आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मिलिटी, फॉर्मिलिटी और डिमल यूनिट और इनको निकालने के तरीके और इनको बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स. हमारा टॉपिक टू ही भी चल रहा है कंसंट्रेशन टर्म्स. कंसंट्रेशन टर्म्स में आठवां मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्मिलिटी. बच्चा लोग नॉर्मिलिटी काफी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है जिन पे बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इन्हें समझेंगे और इन पे बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे. नॉर्मिलिटी भी क्या है सर? नॉर्मिलिटी भी एक तरह का क्या है सर? कंसंट्रेशन है. और मैं अगर कंसंट्रेशन की बात करूं ये कैसे डिफाइंड होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. अगर सॉल्यूशन की अमाउंट हमारा कितना हो 1 लीटर, सॉल्यूशन की अमाउंट हमारी 1 लीटर है और सॉल्यूट की अमाउंट, मैं नॉर्मिलिटी को पढ़ाना चाह रहा हूं मोलरिटी के रिस्पेक्ट में. हम लोग पहले ही मोलरिटी पढ़ चुके हैं. मोलरिटी में क्या हम लोगों ने पढ़ा था सर? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन हमारा 1 लीटर होना चाहिए, यानी कि सॉल्यूशन की वॉल्यूम हमारी क्या होनी चाहिए? 1 लीटर. और एक बात आप लोग समझते हैं, मोल कंसेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी सब्सटेंस की अमाउंट मेजर की जाती है 3 तरीकों से. नंबर पहला वेट के तरीकों पे, नंबर दूसरा वॉल्यूम और नंबर तीसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स. नंबर ऑफ पार्टिकल्स में ही तो आ जाता है ना मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस. सब्सटेंस के अमाउंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं वेट के भी तरीके से, वॉल्यूम के टर्म्स में और नंबर के टर्म्स में. तो हम लोग यहां पर सॉल्यूशन के अमाउंट को क्या लेते हैं? 1 लीटर वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म्स में लिए हम लोग. और सॉल्यूट की अमाउंट, अगर हम लोग सॉल्यूट की अमाउंट लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ मोल, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्रेजेंट है मोल के टर्म में, तब यह कंसंट्रेशन जो मेजर करेगा वो क्या कहलाएगा सर? ऑफ कोर्सली मोलरिटी. अगर सॉल्यूट की अमाउंट प्रेजेंट हो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में, अगर सॉल्यूट की अमाउंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म्स में हो, तब सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी वह कैसे मेजर होगी सर? नॉर्मिलिटी के टर्म्स में. बातें मेरी समझ में आ रही है? सिंपल मतलब है मैं थोड़ा सा इसी कंसंट्रेशन को मेजर करना चाहता हूं मोलरिटी के टर्म में. और नॉर्मिलिटी के टर्म में मुझे समझना है नॉर्मिलिटी.
इसको समझेंगे मोलरिटी के रिस्पेक्ट में। मोलरिटी बच्चा लोग क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मैं यहां पर लिख देता हूं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मुझे समझना है नॉर्मेलिटी तो वॉल्यूम की वॉल्यूम तो हम लोग लेंगे ही सॉल्यूशन का लीटर के टर्म में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट आपने जो यहां पर लिया है सॉल्यूट के अमाउंट मोल के टर्म में, हम लोग यहां पर सॉल्यूट के अमाउंट किसके टर्म में लेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तब हमारा जो कंसंट्रेशन है वो क्या कहलाएगा? नॉर्मेलिटी। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। बातें मेरी समझ में आ रही है बच्चा लोग? थोड़ा समझेंगे, नॉर्मेलिटी हमारा एक तरह का कंसंट्रेशन है। कैसा कंसंट्रेशन है? पहले मैं आपको कंसंट्रेशन समझाना चाहता हूं। कंसंट्रेशन का मतलब ही होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन की अमाउंट हम लोग लेते हैं एक लीटर, सॉल्यूट के अमाउंट हमने पहले लिया मोल के टर्म में, अगर सॉल्यूट के अमाउंट मोल के टर्म में है और वो मौजूद है एक लीटर सॉल्यूशन में, तब यह रिप्रेजेंट करेगा कैसे कंसंट्रेशन? सर मोलरिटी को। मोलरिटी भी क्या है सर? कंसंट्रेशन को निकालने का एक तरीका। अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मेरा एक लीटर है और सॉल्यूट के अमाउंट हमने किस टर्म में लिया है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में, तब यह कैसा कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा? नॉर्मेलिटी को। तो मतलब हम लोगों ने कंसंट्रेशन को बांटा। समझाने के लिए मैं बांट नहीं रहा हूं, ये दो पार्ट में मैंने नहीं बांटा, मैं मोलरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों को समझाना चाह रहा हूं। नॉर्मेलिटी को समझाना चाह रहा हूं मैं मोलरिटी के टर्म में। मोलरिटी हम लोग क्या जानते हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मेलिटी समझना मुझे है तो मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिया। यहां पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को मोल के टर्म्स में ना लेकर के मैंने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को लिया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में, तब हमारा जो मोलरिटी है वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? नॉर्मेलिटी में। यहां पर बच्चा लोग सॉल्यूट के अमाउंट मोल्स में है इसलिए कंसंट्रेशन मोलरिटी के टर्म में है। यहां पर सॉल्यूट के अमाउंट ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में है इसलिए कंसंट्रेशन मेरा क्या है सर? नॉर्मेलिटी है। यानी सारा खेल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का है। बातें समझ में आ रही है? तो हम लोग समझेंगे यहां पर ये नया कंसेप्ट क्या आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। मोल तो समझ में आती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है हम लोग को ये समझना है। ठीक है सर, हम लोग समझते हैं। पहले आप लोग इसको नोट कर लें, इसे इरेज कर दूं मैं। तो बच्चा लोग थोड़ा मैं समझाना चाहूंगा, मतलब साफ है कि मोलरिटी इक्वल टू होता है मोल बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके टर्म में सर? तो लीटर के टर्म में। और नॉर्मेलिटी, मैं नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं एन से, मैं इसे बाद में लिखाऊंगा, पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मोलरिटी के लिए मोल, नॉर्मेलिटी के लिए मैंने यहां पर क्या लिया सर? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर? एन से। बच्चा लोग ये मोल और इधर क्या मेरा है सर? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। मैं यहां पे समझना चाहूंगा हमारा मोल क्या होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। किसका सर? सॉल्यूट का निकाल रहे हैं, तो मैंने यहां पर सॉल्यूट लिया। ये मेरा क्या निकल गया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मुझे निकालना क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका निकालेंगे सर? सॉल्यूट का। ये कैसे निकलेगा?
इसमें भी गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय, यहां पर हम लोग लेते हैं मोल के लिए लेते हैं मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हम लोग क्या लेते हैं सर इक्विवेलेंट वेट, मैं यहां पे क्या ले रहा हूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट चलेगा। अब हमारा मोलरिटी समझ में आ गया, नॉर्मलिटी समझ में आ गया, मोलरिटी इक्वल टू मोल पर लीटर सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोल क्या होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यहां पर मोल है यहां पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे समझेंगे सर गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, बच्चा लोग यहां पर मॉलिक्यूलर वेट यहां पर इक्विवेलेंट वेट, मुझे समझना है इक्विवेलेंट वेट को, अब इक्विवेलेंट वेट को समझने के लिए हम लोग समझते हैं मॉलिक्यूलर मास को, बच्चा लोग मॉलिक्यूलर मास क्या होता है सर मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स क्या हम लोग को समझना है इक्विवेलेंट वेट, ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये मुझे समझना है, तो इसे हम लोग समझ लें तो आई थिंक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग समझ लेंगे। इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, मैं यहां पर इक्विवेलेंट वेट को ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट को एम से बाय वैलेंसी फैक्टर, तो बच्चा लोग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट तो मैं यहां पर एम भी लिख दूं और इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या सर सॉल्यूट मैं ई भी लिख देता हूं। आई थिंक हम लोग को इक्विवेलेंट वेट अब समझ में आ गया क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, अब ये नया टर्म्स वैलेंसी फैक्टर कहां से आ गया हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूं वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर मुझे वैलेंसी फैक्टर समझ में आ जाएगा तो आई थिंक हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो आई थिंक नॉर्मलिटी निकल जाएगी, आई मेरी बातें समझ में, पहले आप लोग इसको नोट कर लें, इसे इरेज कर दे रहा हूं मैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी नॉर्मलिटी को, चलिए बच्चा लोग हम लोग समझते हैं, समझना हम लोग क्या है सर वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर मुझे निकालने आना चाहिए, हम लोग वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे चार अलग अलग केस के लिए, वैलेंसी फैक्टर ऑफ रेडिकल्स, मैं वैलेंसी फैक्टर और इक्विवेलेंट वेट दोनों साथ साथ निकालना चाह रहा हूं, ये हमने क्या बोला केस वन, तो बच्चा लोग एक ट्रिक हमारे पास में अवेलेबल है आप लोगों के लिए, वैलेंसी फैक्टर ऑफ रेडिकल्स, रेडिकल्स मतलब क्या आयंस, इक्वल टू फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि हमारे पास Ca2+ दिया हुआ है, हमें निकालनी क्या है इसकी वैलेंसी फैक्टर, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर आप लोग कैसे निकालिएगा, इस पे जो है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 2, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी हो जाएगी सर 2, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2+ इक्वल टू क्या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम बाय कितना वैलेंसी फैक्टर, कैल्शियम की मॉलिक्यूलर वेट कितनी होती है सर यहां पर 40 बाय कितना 2 इक्वल टू क्या आएगा 20 आंसर, और ये बातें समझ में। नंबर दूसरा इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 2-, मैं इसका निकालना चाहता हूं इक्विवेलेंट वेट, कैसे निकालू मैं सर इसके आंसर कैसे निकालेंगे, आई थिंक इक्विवेलेंट वेट ऑफ
ये मुझे निकालना है CO3 2 माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO3 बाय वैलेंसी फैक्टर। तो CO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकालें, इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी हो जाएगी, इस पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 2/2, और इसकी मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा कार्बन का 12 + 3 × 16, सॉल्व कर लें 48 × 2 = 50 × 60/2, कितना आ जाएगा आंसर सर 30। चलिए इसको नोट कर ले आप लोग, इरेज कर दो इसे मैं। तो बच्चा लोग आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट, आप मुझे निकाल के दिखाएं इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al3+ कितना होगा। नंबर दूसरा आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ NH4+, इक्विवेलेंट वेट ऑफ PO4 3-, आप इन सबों का निकालें। नंबर फोर इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2+, इसका भी निकालें आप लोग। इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2-, इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 2-, इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2-। चलिए इन सबों को कैलकुलेट कीजिए आप लोग। तो बच्चा लोग कैसे निकालेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो ऑफकोर्सली मॉलिकुलर वेट ऑफ एल्यूमिनियम बाय कितना वैलेंसी फैक्टर। एल्यूमिनियम कितनी होती है सर 27, वैलेंसी फैक्टर इस पर चार्ज कितना है टोटली 3/3 × क्या हो जाएगा 90। उसी तरीके से मैं पे करता हूँ, मॉलिकुलर वेट ऑफ क्या हो जाएगा हमारा NH4 बाय वैलेंसी फैक्टर हमारा। NH4 के लिए कैसे निकालेंगे लोग, नाइट्रोजन के लिए बताइए मुझे नाइट्रोजन कितना होता है मुझे 14 + 4 × 1 / NH4+ की वैलेंसी फैक्टर मेरे पास कितना आएगा 1। इसको सॉल्व कर ले आप लोग, ये कैसे निकालेंगे आप लोग, उसी तरीके से मॉलिकुलर वेट ऑफ PO4 बाय वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, चार्ज 3 है 3 वैलेंसी फैक्टर। इसकी मॉलिकुलर वेट मैग्नीशियम का लिख ले आप लोग, वैलेंसी फैक्टर कितना है सर चार्ज 2। हमने आपको पहले बता चुके हैं सर कि वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो आप किसी भी रेडिकल किसी भी आयंस पे देखिए चार्ज, चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी है, चाहे वो प्लस चार्ज हो चाहे वो माइनस चार्ज हो फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना है सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड। एग्जांपल के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं सर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 2-, इसे भी कैसे निकालेंगे, ऑफकोर्सली मॉलिकुलर वेट ऑफ SO4 वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा इसका 2/2। इन सबों का निकालिए, ये मेरा क्या दिया हुआ है सर ऑक्साइड, और ये मेरा क्या है ऑफकोर्सली परऑक्साइड, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सुपर ऑक्साइड को। चलेगा लिखिए सर इन लोगों का मॉलिकुलर वेट ऑफ क्या O बाय वैलेंसी फैक्टर। ऑक्सीजन की मॉलिकुलर वेट कितनी 16, चार्ज कितना इस पे है सर 2/2, कितना हो जाएगा इसका 8। मॉलिकुलर वेट ऑफ O2 बाय वैलेंसी फैक्टर, इसकी वेट कितनी हो जाएगी 2 × कितना 16 बाय चार्ज कितना है सर 2, तो 2 दे दिए हम लोग, कितना इसका हो गया सर 16। मैं इसकी बात करूं मॉलिकुलर वेट ऑफ O2 बाय वैलेंसी फैक्टर, O2 के लिए कितना हो जाएगा 2 × 16 बाय वैलेंसी फैक्टर, इस पर चार्ज कितना है मेरा 1। मैग्नेटिक की मैं बात कर रहा हूं सर तो 1, ये कितना हो जाएगा मेरा सर 32। तो बच्चा लोग हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे निकालते हैं, इसे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा ना, सल्फर का निकालिएगा मॉलिकुलर वेट 4 × ऑक्सीजन बाय वैलेंसी फैक्टर मेरा कितना है सर 2, तो 2 सॉल्व कर लीजिए आप लोग इसको, इसे नोट कर लें। हम लोग वैलेंसी फैक्टर रेडिकल्स का निकालना सीख चुके हैं, निकालना मुझे किसका किसका सर है इक्विवेलेंट वेट किसका किसका निकालना होता है, यानी तो आयंस का जिसे हम लोग रेडिकल्स बोल रहे हैं, यानी तो एसिड, यानी तो बेस, यानी तो सॉल्ट। तो हम लोग रेडिकल्स का निकाल चुके हैं, अब हम लोग निकालने सीखेंगे एसिड का, आप लोग इनको नोट कर लें, इरेज कर दूं इसे मैं।
और बातें करेंगे केस टू की, निकालना किसका चाह रहे हैं हम लोग हैं, बात कर रहे हैं वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड की। तो बच्चा लोग यहां पर हमारे पास ट्रिक होता है वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड इक्वल टू बेसिसिटी ऑफ एसिड। एसिड की बेसिसिटी जितनी होती है वही होती है वैलेंसी फैक्टर एसिड की। बेसिसिटी कहने का मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं कि एसिड के पास टेंडेंसी होती है। हम लोग एक और ट्रिक समझ लें, एसिड किसको बोलते हैं सर, जो कि रिप्लेस कर दें। क्या करे सर ये, रिप्लेस करे। किसको रिप्लेस करे सर, H प्लस को। वह सब्सटेंस जिससे कि हम लोग H प्लस निकाल सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो जितना नंबर ऑफ H प्लस आयन निकाल सके उसे उस एसिड की बेसिसिटी कही जाती है। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ रिप्लेसिबल H प्लस, ये हमारा ट्रिक होता है एसिड की वैलेंसी फैक्टर निकालने का। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं एक एग्जांपल की। एग्जांपल के लिए कोई एक एसिड हम लोग ले लेते हैं सर, मैं बात करता हूं H2SO4 की। H2SO4 के केस में अगर मैं बात करूं इसकी वैलेंसी फैक्टर, तो यह कितने H प्लस को दे सकता है, दो दे सकता है। कैसे, तो सबसे पहले H2SO4 को पानी में डिजोल्व कर दें, यह मुझे देगा H प्लस प्लस HSO4 माइनस, फिर ये HSO4 माइनस हमारा ब्रेक होगा और देगा मुझे क्या, H प्लस प्लस SO4 टू माइनस। तो यहां पर टोटली कितने H प्लस मुझे मिल गए, यहां पर मुझे मिला नंबर ऑफ H प्लस इक्वल टू कितना, टू। तो मुझे वैलेंस फैक्टर मुझे कितना मिल जाएगा सर, टू। और इसकी मुझे निकालनी क्या है अब, इक्विवेलेंट वेट। मैं निकालना चाहता हूं इसकी इक्विवेलेंट वेट। तो बच्चा लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कैसे निकालेंगे, इसका मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 बाय वैलेंसी फैक्टर निकालते हम लोग हैं। H2SO4 की मॉलिकुलर वेट निकालिएगा कितना आएगा सर, 2 इंटू हाइड्रोजन के लिए 1 प्लस सल्फर के लिए 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन के लिए कितना आएगा सर, 16 डिवाइडेड। H2SO4 की वैलेंसी फैक्टर मुझे कितना मिला हुआ है, 2। तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, 2। इसको मैं सॉल्व करूं, मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, मुझे कितना आएगा, 2, 32 प्लस 2 34, 34 प्लस 64 कितना आएगा सर, आई थिंक 98/2 ये मुझे कितना आ गया, 49 आंसर। इस तरीके से हम लोग और एग्जांपल लेते हैं, पहला आप लोग इसको नोट कर लें, पेज कर दूं मैं से। बच्चा लोग कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, हमें निकालना क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, इसे निकालिए आप लोग, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2CO3 इसे निकालिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 इसे निकाल के दिखाइए हमें, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ CH3COOH। चलिए बच्चा लोग ये सब का मुझे निकाल के दिखाइए, और निकाल सकते हैं इसको आप लोग निकालिए। और मुझे पढ़ना है फिलहाल एक चीज और, वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सी एसिड, थोड़ा समझते हैं। आई थिंक इसे आप लोग निकाल चुके हैं, निकालिए कैसे निकालेंगे सर, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या, HCl बाय वैलेंसी फैक्टर, ये कितना H प्लस मुझे देगा, एक। इसके लिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2CO3 बाय वैलेंसी फैक्टर, इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी होगी, ये कितना H प्लस मुझे दे सकता है, दो। HNO3 के लिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HNO3
डिवाइडेड वैलेंसी फैक्टर, इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी होगी, ये कितना H प्लस देगा सर, एक देगा मुझे वन सी एच थ्री सी डबल ओ एच। यह ब्रेक कैसे करता है, यह ब्रेक करता है सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस और क्या H प्लस, तो सी एच थ्री सी डबल ओ एच कितना H प्लस मुझे दिया एक, तो सी एच थ्री सी डबल ओ एच की इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाली जाएगी, मॉलिकुलर वेट ऑफ सी एच थ्री सी डबल ओ एच बाय वैलेंसी फैक्टर। तो हम लोग को लगता है कि यहाँ पे टोटली चार H है तो चार H प्लस देगा और वैलेंसी फैक्टर चार होनी चाहिए, ऐसी बातें नहीं है, ये तीन एच यहाँ पर रिप्लेस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला एच रिप्लेस होता है, एक एच प्लस आयन रिप्लेस हुआ, इसलिए इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी होगी ओनली वन। तो आप इसका मॉलिकुलर वेट निकाल लें, तो मॉलिकुलर वेट ऑफ सी एच थ्री सी डबल ओ एच देखिए कितना होता है और इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी होगी मेरी वन, पुट कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए, इसे नोट करें आप लोग। थोड़ा मैं समझाना चाहता हूं आपको, इस तरह मैं इसको पहले इरेज कर दूं, ये ऑक्सी एसिड के केस में कैसे निकालते हैं वैलेंसी फैक्टर, तो एक बात हम लोग समझेंगे कि वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सी एसिड इजकल टू क्या होता है हमारा बेसिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड, और ऑक्सी एसिड की बेसिसिटी कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच प्लस को देख करके। तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि ऑक्सी एसिड केस में भी सर जितना एच प्लस को रिप्लेस किया जा सकता है वही उसकी बेसिसिटी होगी और वही उस ऑक्सी एसिड की वैलेंसी फैक्टर होगी। तो ऑक्सी एसिड केस में कौन से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि किसी भी, मैं यहाँ पे लिखा हूं इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड ओनली दोज हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेसेबल विच आर बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन एंड नॉट विद द सेंट्रल एटम। ये कहता क्या है कि ऑक्सी एसिड के केस में सिर्फ और सिर्फ वही हाइड्रोजन एटम को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो, सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम को हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। मैं इसे एग्जाम्पल समझाना चाह रहा हूं, देखिए एक सिंपल सी बात है सर, छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा कंसेप्ट है, ऑक्सी एसिड के केस में कैसे निकालते हैं वैलेंसी फैक्टर। अरे भैया कोई भी एसिड क्यों नहीं हो, अगर उसकी मुझे वैलेंसी फैक्टर निकालनी है तो उसका सिंपल मतलब है उसमें देखिए और चेक कीजिए कितने H प्लस को आप रिप्लेस कर सकते हैं ऑक्सी एसिड और अदर एसिड में, अदर एसिड में हाइड्रोजन एटम निकालने कोई तरीका नहीं होता है मैं, लेकिन अगर ऑक्सी एसिड की मैं बात करूं वहां पर सारे के सारे हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल नहीं होते हैं उस एसिड में, यानी कि इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन होगा और उस ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन एटम अटैच होगा, ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन होगा सर, उस ऑक्सीजन से जितने हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे केवल उन्हीं को रिप्लेस किया जा सकता है। ऑक्सी एसिड में कुछ हाइड्रोजन सेंट्रल मेटल एटम से भी जुड़े रहते हैं, सेंट्रल एटम से जुड़े होने पर वो हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, वो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा नहीं, इसलिए उसकी संख्या को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बातें करता हूँ, नंबर पहला मैं बात करता हूँ H3PO4 की, मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, मैं पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेना चाहूंगा सर, तो P डबल बॉन्ड O इसका मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, यहां पर टोटली चार ऑक्सीजन है तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है सर, और तीन हाइड्रोजन है तो तीनों को यहां से अटैच करें आप लोग। एक बात याद रखिए, मैं आपको डायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर मैं टोटली तीन क्वेश्चन लूंगा, एक H3PO4 लूंगा मैं, एक लूंगा मैं H3PO3। पहले बच्चा लोग एग्जाम्पल समझने से पहले आप इसको नोट कर लें, आप इन्हें नोट कर ले सर, इरेज कर दूं, मैं तीनों एग्जांपल साथ में समझाना चाहूंगा। तीसरा एग्जांपल हमारा है H3P, सबों मुझे ही निकालना है इक्विवेलेंट वेट, मुझे सबों का निकालना है इक्विवेलेंट वेट, तो मुझे सबों का स्ट्रक्चर बनाना है, क्यों, यह चेक करने के लिए कि इसकी बेसिसिटी कितनी होगी। बेसिसिटी में हम लोग जानते हैं केवल उन्हीं हाइड्रोजन को देखना है जो कि ऑक्सीजन से अटैच हो, इसमें कोई भी हाइड्रोजन एटम फास्फोरस अटैच नहीं है, ये फास्फोरस मेरा क्या है सेंट्रल एटम। मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा, देखिए H3PO4 H3PO3 H3PO2 यह एक नॉर्मल क्वेश्चन है, काफी कॉमन क्वेश्चन है, इनका स्ट्रक्चर बनाने के लिए जितनी भी ऑक्सीजन दिया हुआ है एक फास्फोरस के साथ में डबल बॉन्ड बनाए, फास्फोरस पांच बॉन्ड बनाएगा ना,
एक डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ में, बाकी सिंगल बॉन्ड बना लिया अदर के साथ में। तो बच्चा लोग इसको मैं कैसे बनाऊंगा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। पहले आप फास्फोरस को देखें, एक फास्फोरस आप लें या एक ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा, पांच बॉन्ड पूरने के लिए मैं तीन अलग जगहों पर दे दिया, चेक कीजिए और कितना ऑक्सीजन बचता है इसके पास में है। एक ऑक्सीजन हो गया, बचा है दो, दोनों अलग जगहों पर दे दीजिए। हाइड्रोजन कितने बच गए आपके पास, तीन, तो एक आप यहां पर लगाएं, एक आप यहां पर लगाएं, बच गया एक आप यहां पर लगा दें। आप इसका भी स्ट्रक्चर बना लें, फास्फोरस लें, एक ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड दें, तीन बॉन्ड तो होगा, तब ना होगा पांच, बचे कितने ऑक्सीजन, एक, बचा कितना आप हाइड्रोजन, एक तो आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जोड़ दें, बचे दो आप इसे यहां लगा दें। बातें समझ में आ रही है? अब मैं जानना चाहता हूं इसकी वैलेंसी फैक्टर। तो बच्चा लोग इस ऑक्सी एसिड में हम लोग जानते हैं केवल वही हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है जो कि हमारा ऑक्सीजन से अटैच है। तो ऑक्सीजन से मेरे कितने अटैच हैं सर, तीन, एक दो तीन हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी होगी, तीन। तो इसका इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकाल सकते हैं क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 क्या हो जाएगा सर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H3PO4 बाय इसकी वैलेंसी फैक्टर कितना इसका दिया हुआ है सर, तीन, ये हो गया हमारा आंसर। H3PO3 के केस में हम लोग देखना चाहेंगे, मैं निकालना चाहता हूं इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है, ये फास्फोरस हमारा क्या है सर, सेंट्रल एटम। इस सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, वह क्या रिप्लेस होगा, नहीं सर, ये रिप्लेस नहीं होगा, केवल ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही रिप्लेस हो सकता है। तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी होगी, ओनली टू, क्योंकि यहां पर दो हाइड्रोजन ही तो ऑक्सीजन से रिप्लेस हो रहा है, केवल दो हाइड्रोजन ही इस ऑक्सीजन से रिप्लेस हो रहा है, सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा, इसलिए आप इसे वैलेंसी फैक्टर में काउंट ना करें। तो केवल दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहा है, इसलिए इस ऑक्सी एसिड की वैलेंसी फैक्टर 2 मानी जाएगी। तब इसकी इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो बच्चा लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3 का निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा सर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H3PO3 डिवाइडेड वैलेंसी फैक्टर, कितना इसका है सर, 2, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसका निकालना चाहूंगा मैं, ये फास्फोरस हमारे यहां पे क्या है सर, सेंट्रल एटम ऑफ कोर्स, तो सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एटम को हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा और केवल यही वैलेंसी फैक्टर में काउंट होगा। और इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी मानी जाएगी, 1। तब इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, H3PO2 का ऑफ कोर्स इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H3PO2 डिवाइडेड इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी है सर, 1। आप इसका मॉलिक्यूलर वेट पुट करें, सॉल्व करिए, मॉलिक्यूलर वेट पुट करें, सॉल्व करें, मॉलिक्यूलर वेट पुट करें, सॉल्व करें, और इसको नोट कर ले आप लोग। बच्चा लोग इसे इरेज कर देता हूं मैं, वैलेंसी फैक्टर ऑफ हमें निकालना क्या है, बेस। तो बच्चा लोग बेस का कैसे निकालेंगे वैलेंसी फैक्टर, तो इसकी जो वैलेंसी फैक्टर होती है, हमारा ट्रिक होता है, वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस इज इक्वल टू एसिडिटी ऑफ बेस। तो बच्चा लोग हम लोग समझेंगे कि बेस की एसिडिटी क्या होती है। थोड़ा देर पहले हम लोगों ने समझा वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड वह किसके बराबर हो रहा था, तो बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी। एसिड की बेसिसिटी कैसे हम लोग मेजर किए थे, नंबर ऑफ रिप्लेसिबल H+ आयन से। किसी एसिड की बेसिसिटी कैसे मेजर कर रहे थे हम लोग सर, तो उस एसिड में जितने नंबर ऑफ H+ आयन रिप्लेस हो रहे थे उन्हीं से हम लोग निकाल रहे थे ना किसी भी एसिड की बेसिसिटी। तो बेस की एसिडिटी कैसे निकालते हैं, तो बच्चा लोग बेस क्या करता है, हम लोग बेस के बारे में क्या जानते हैं, जिसे हम लोग क्या रिप्लेस कर सके, OH-। तो सर किसी भी बेस की एसिडिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिप्लेसिबल OH- आयन, यही कहलाती है किसी भी बेस की वैलेंसी फैक्टर। एग्जांपल के लिए हम लोग एग्जांपल समझेंगे,
मान लीजिए हमारे पास कोई बेस दिया हुआ है NaOH, इसका मुझे निकालना है वैलेंसी फैक्टर। तो कैसे निकालेंगे, तो इसकी मुझे अगर वैलेंसी फैक्टर निकालनी है तो इसको ब्रेक कीजिए, Na प्लस और OH माइनस। ये NaOH कितने OH माइनस को रिप्लेस कर रहा है, एक, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी हो जाएगी हमारा, वन। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बाय क्या, वैलेंसी फैक्टर। तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे सर, सोडियम के लिए 23, ऑक्सीजन के लिए 16 प्लस 1 बाय कितना हो जाएगा मेरा यहां पे 1, ये कितना हो गया, सॉल्व कीजिए 40, चलेगा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल निकालते हैं, एग्जाम्पल नंबर टू। उसी तरीके से आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ KOH निकालिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NH4OH निकालिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgOH का होल टू निकालिए, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ AlOH का होल थ्री निकालिए। चलिए इसको निकालिए आप लोग, तो बच्चा लोग आप लोग शायद इसका निकाल चुके होंगे। कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KOH बाय इसकी वैलेंसी फैक्टर। इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी होगी हमारे पास, एक। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए और रखिए यहां पे, यहां पे कैसे ब्रेक करेंगे, NH4 प्लस और क्या, OH माइनस। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, NH4OH, और इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी होगी, एक OH माइनस को रिलीज कर रहा है, एक हो जाएगा। यहां पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका, MgOH का होल टू, MgOH का होल टू बाय वैलेंसी फैक्टर, यहां पे कितने OH हैं, दो, तो बाय दो। इसका हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AlOH का होल थ्री बाय कितना OH मेरे पास है, तीन, तीन। आंसर इसको नोट कर रहे हैं आप लोग सर। आई थिंक आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग बातें करेंगे वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट की। बच्चा लोग हम लोग बात करेंगे केस नंबर फोर की, वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं, थोड़ा हम लोग समझेंगे कंसेप्ट को। कोई सॉल्ट किस फॉर्म में रहेगा, मैंने मान के चला AX और क्या BY, यहां पर A मेरा क्या है, कोई मेटल है। अब कॉर्सली यहां पे हम लोग समझ सकते हैं, ये जो मुझे X है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मेटल एटम को, और ये y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो y हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वैलेंसी ऑफ मेटल को। कोई सॉल्ट कैसे बनता है, एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल समझना चाहेंगे सर। मान के चलिए कि MgCl2 हमारा कोई सॉल्ट है, ये बना कैसे होगा, मैग्नीशियम से और क्लोरीन से ना, तो मैग्नीशियम है और क्या है, क्लोरीन। मैं बात कर रहा हूं वैलेंसी की, तो हम लोग यहां पर ले लेते हैं वैलेंसी, मैग्नीशियम की मैंने वैलेंसी कितना लिया, कितनी होती है इसकी वैलेंसी सर, टू, और क्लोरीन की कितनी होती है, वन। हम लोग क्रॉस करते हैं ना, चलेगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, MgP कितना आया हमारा, वन, और ClP कितना मेरा आया, टू। आप देखिए ये टू क्या है, मैग्नीशियम की हमारा वैलेंसी। ये टू किसको रिप्रेजेंट कर दिया हमारा, ऑफकोर्स वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, और ये वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम। तो सर वैलेंसी फैक्टर निकालने का सॉल्ट के लिए हमारे पास ट्रिक हो जाता है, हम लोग यहां पर ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग कह सकते हैं कि वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट, अगर आपको सॉल्ट का निकालना है, इसका हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मेटल एटम इनटू
वैलेंसी ऑफ मेटल। ये हमारा हो गया ट्रिक। एग्जांपल के लिए मान के चला हमने, मैं इसी एग्जांपल की बात करता हूं MgCl2 की, मैं इस MgCl2 की बात करूंगा और मैं जानना चाहता हूं कि इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी होगी। तो यहां पे हम लोग बात कर लें मैग्नीशियम, बच्चा लोग यहां पर हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और वैलेंसी फैक्टर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मेटल एटम को, वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वैलेंसी ऑफ मेटल को। तो यहां से हम लोग छोटा सा ट्रिक निकाल लें, ये वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे किसी भी सॉल्ट के लिए, एक्स नंबर ऑफ मेटल एटम को रिप्रेजेंट किया, वाई वैलेंसी ऑफ मेटल को रिप्रेजेंट किया, दोनों को मल्टीप्लाई करनी है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर, ये किसके लिए सर, तो सॉल्ट के लिए इज इक्वल टू एक्स इंटू क्या वाई। तो बच्चा लोग यहां पर x कितना है 1 और y कितना है 2, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है x को और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है y को। वैलेंसी फैक्टर मेरा क्या होगा सर, x इंटू वाई, एक्स मेरा कितना हो गया 1 इंटू 2, कितना हो गया मेरा सर 2। MgCl2 की वैलेंसी फैक्टर कितनी हो गई हमारे 2, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgCl2 इज इक्वल टू हो जाएगा मॉलिकुलर वेट ऑफ MgCl2 डिवाइडेड इसकी वैलेंसी फैक्टर। MgCl2 की मॉलिकुलर वेट आप लोग निकाल लें बाय इसकी वैलेंसी फैक्टर, मेरे पास कितना आ गया 2 आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, सॉल्ट की वैलेंसी फैक्टर निकालने का सिंपल सा तरीका होता है गिवन सॉल्ट में आप मेटल को पकड़िए, मेटल का देखिए कि उसमें कितना नंबर ऑफ मेटल एटम प्रेजेंट है और उसकी वैलेंसी कितनी है। जनरली कोई सॉल्ट AXBY के फॉर्म में रहेगा और आप देखिए सॉल्ट में पहले आपको जनरली मेटल ही मिलता है, नीचे जो लिखा हुआ X है वह रिप्रेजेंट करता है जनरली नंबर ऑफ मेटल एटम को और Y रिप्रेजेंट करता है वैलेंसी ऑफ मेटल को। आप X इंटू Y करके वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हैं, इन्हें आप लोग नोट कर लें, मैं 2-3 एग्जाम्पल बता रहा हूं जिसे आपको सॉल्व करनी है, इसे नोट करें। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बातें करते हम लोग हैं सॉल्ट में ही कुछ अदर एग्जाम्पल की और आपको इसका निकालना है इक्विवेलेंट वेट। नंबर दूसरा आप मुझे निकाल के दिखाइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl कितना हो रहा है। तीसरा एग्जाम्पल हमें निकाल के दिखाइए CaCl2 का, आप हमें निकाल के दिखाइए Al2O3 का, और एक लास्ट क्वेश्चन इक्विवेलेंट वेट ऑफ K3, K4, FeCN का होल 6। यह हमारा सॉल्ट है ना, यह हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, इन सबों का मुझे निकाल के दिखाइए, ट्राई कीजिए आप लोग, इसे ट्राई करें आप लोग। बच्चा लोग आप लोग इसका शायद निकाल चुके होंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl डिवाइडेड इसकी वैलेंसी फैक्टर। तो इसकी वैलेंसी फैक्टर हम लोग को निकालनी है, तो आप इसका वैलेंसी फैक्टर बताइए कितना होगा हमें, यहां पर इस मेटल की नंबर कितनी है 1 और इसकी वैलेंसी कितनी है हमारे पास 1, तो 1 × 1 इसका वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे आप लोग, 1 × 1 पुट कर दें यहां पे, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl आप लोग निकाल लें, इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी होगी 1। CaCl2 की यहां पर कैल्शियम की नंबर ऑफ एटम कितनी है सर 1, इसकी वैलेंसी कितनी है 2, ये हमारा हुआ x, ये मेरा क्या हुआ y, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 × 2, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCl2 बाय वैलेंसी फैक्टर कितना मुझे मिल गया 2। इसी तरीके से इसका आप बताएं मुझे, ये इसका वैलेंसी फैक्टर मुझे कितना आएगा, x 2 है, y कितना है 3, x इंटू वाई 2 × 3, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट Al2O3 डिवाइडेड इसकी वैलेंसी फैक्टर मुझे कितना आया है 6। इसका आप इसे तोड़े तो, मैं इसे आपको तोड़ने बता रहा हूं, यहां पे कितने पोटेशियम एटम है 4 4K+ यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास FeCN का होल 6 होल 6
फोर माइनस, इस पे नेट चार्ज जीरो है, चार प्लस चार माइनस, ये न्यूट्रलाइज हो गया ना हमारा ना सर। तो यहां पे हम लोग समझ लेते हैं, ये जो हमारा मेटल है इसका नंबर ऑफ मेटल एटम कितना हो गया हमारा, फोर। यहां पर ये चार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मेटल एटम को, और इसकी वैलेंसी कितना हमारे पास है, वन। ये क्या हमारा है सर, वैलेंसी ऑफ ये मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से इसका वैलेंसी फैक्टर हम लोग कितना निकाल सकते हैं, अगर मैं इसका बात करूं वैलेंसी फैक्टर का, तो x इंटू वाई, ये नंबर ऑफ मेटल एटम, ये हमारा क्या हो गया x, इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई, चार, और वैलेंसी ऑफ मेटल इसे मैंने क्या माना y, कितना मुझे मिला है वन प्लस वन, मुझे कितना मिल गया वन, फोर। वैसे आप इस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, ये क्या हो गया हमारा मेटालिक पार्ट, ये मेरा क्या हो गया सर नॉन मेटालिक पार्ट, यहां पे मुझे कितना मिला हुआ है वन, ये चार किसको रिप्रेजेंट करेगा x को, और ये वन किसको रिप्रेजेंट करेगा हमारा सर y को, x इंटू वाई फोर इंटू वन। इसका आप इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ k4 Fe Cn का होल सिक्स इज इक्वल टू इसका मॉलिकुलर वेट k4 Fe Cn का होल सिक्स डिवाइडेड, इसकी वैलेंसी फैक्टर मुझे कितना मिला है फोर, यहां पुट करें फोर, ये हमारा क्या हो गया सर आंसर। ये आप लोगों को समझ में आ गया, इसे नोट कर ले। जब कोई मुझे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मिलता है, ये हमारा मेटालिक पार्ट, ये हमारा नॉन मेटालिक पार्ट, यहां पे इसे हम लोग कह सकते हैं कैटायनिक पार्ट, ये हमारा क्या है एनायनिक पार्ट। कैटायनिक पार्ट में जो नीचे लिखा हुआ है, यहां पे जो नंबर दिया हुआ है, ये x को रिप्रेजेंट करेगा, और यह नंबर ऑफ मेटल एटम को रिप्रेजेंट करता है। एनायनिक पार्ट में जो मुझे नंबर दिया हुआ है, कोफिशिएंट दिया हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा वाई को, ये हमारा वैलेंसी है किसका सर मेटल की। वैसे भी पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है वन, तो आप एक्स इंटू वाई फोर इंटू वन लिख सकते हैं, इसे नोट कर ले आप लोग, इसे एडिट कर दूं मैं। बच्चा लोग इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट वेट को समझ चुके हैं। अब हमें जब इक्विवेलेंट वेट समझ में आ गया, आई थिंक हम लोग नॉर्मेलिटी को समझ सकते हैं। अब हम लोग नॉर्मेलिटी को समझ सकते हैं, तो हमने आपको नॉर्मेलिटी में क्या बताया था, तो नॉर्मेलिटी का डिफिनेशन लिखना है हमें, तो मैंने बताया था नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बच्चा लोग मैं इसका डिफिनेशन लिखना चाहता हूं, तो आई थिंक हम इसको डिफाइन कर सकते हैं नॉर्मेलिटी के लिए, दी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नॉर्मेलिटी को समझ सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसे मैं क्या बोलूंगा नॉर्मेलिटी। जनरली इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। इस तरीके से हम लोग नॉर्मेलिटी को लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी के लिए मैं एन लिखूंगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए मैं ई जी लिख रहा हूं यहां पे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें सर लीटर में। हियर मैं बात करना चाहूंगा, हियर एन मेरा क्या है सर नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर ईजी क्या है सर
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और हमारा भी क्या है सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन लीटर, चलिए बच्चा लोग इसको नोट कर ले आप लोग, थोड़ा हाथ चला के नोट करें। इसे इरेज कर दे रहा हूं मैं। बच्चों लोग हम लोग यहां पे फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करेंगे, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आप देखिए यहां पर भी नॉर्मलिटी वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, नॉर्मली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, नॉर्मलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हमारा है वॉल्यूम, और पीवी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है सर एनआरटी। तो आप इस दो इक्वेशन को देख करके समझ सकते हैं कि भी और यहां पे क्या है सर टी, तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा टी। आप इसे यहां पुट करें तो नॉर्मली हम लोग समझ सकते हैं कि नॉर्मलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी की जगह पे क्या पुट करते हैं हम लोग सर टी। तो यहां पर टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करवाएंगे हमारा नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा सर डिक्रीज कर जाएगा। तो नॉर्मलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसे आप लोग नोट में करके लिख ले। क्या मैं लिखूंगा सर यहां पे, नॉर्मलिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। देखिए सर उन सारे कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे जहां पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम के टर्म में रहता है, वो सारे के सारे टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि मोलरिटी नॉर्मलिटी फॉर्मलिटी ये सब टर्म्स जो होते हैं वो सब टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। बट मोलरिटी मोल फ्रैक्शन इन सबों के फॉर्मूले में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करें वहां पर वो सब के सब वॉल्यूम के टर्म में नहीं होते हैं, इसलिए वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। इसे नोट कर ले आप लोग। तो बच्चा लोग थोड़ा हम लोग आगे देखते हैं, मैं फॉर्मूले की बात कर रहा था। यहां पे देखेंगे आप लोग सर नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं सर वेट। थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट। ये मेरा क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग देखते थे ये किस पे बेस्ड ऑन है सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे अगर हम लोग मोल पुट करते हैं तो यह वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह पे मैं क्या पुट कर दूं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर देगा मोल को। तो मैं मोल से समझ सकता हूं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को, वेट ऑफ सॉल्यूट को रहने दीजिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह पे पुट कीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट को, तो हमारा मोल किस में कन्वर्ट हो जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में। तो इस तरीके से मैं यहां पर नॉर्मलिटी को लिख सकता हूं नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे मैं पुट कर दूं इतना, मैं लिख सकता हूं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास में दिया गया है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको मैं लिखा मिलीलीटर के टर्म में, तो यहां मैं मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। ये हमारा हो गया फॉर्मूला नॉर्मलिटी का। इसको शॉर्टकट में लिखना चाहूंगा सर, नॉर्मलिटी को मैं एन से डिनोट किया,
वेट ऑफ सॉल्यूट को W से इंटू 1000 डिवाइडेड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट को E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं V से रिप्रेजेंट किया। यहां पर W ग्राम में रहेगा, ये जो W है हियर W इन ग्राम में रहेगा और हमारा वॉल्यूम किस में रहेगा सर, इन मिलीलीटर में। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इसे नोट कर लिया आप लोग। बच्चा लोग इस फॉर्मूले पे बेस्ड ऑन हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, इसे इरेज कर दूं मैं। बच्चा लोग हमारे पास क्वेश्चन है, इफ 0.4 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 40 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास कोई सॉल्यूशन दिया गया है, इसमें सॉल्यूट के तौर पे क्या अवेलेबल है, NaOH, और यहां पर कोई अदरवाइज सॉल्वेंट है। ये हमारा क्या है सॉल्यूट और ये मेरा क्या है सॉल्वेंट, तो मैंने ए से रिप्रेजेंट किया। 0.4 ग्राम ऑफ NaOH, NaOH की जो वेट ली गई है वो कितना ग्राम मुझे दिया हुआ है, 0.4 ग्राम, और प्रेजेंट इन 40 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जो मुझे वॉल्यूम दी गई है वो मुझे कितना दिया गया है, 40 मिलीलीटर। व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मुझे क्या निकालना है नॉर्मलिटी। मुझे बच्चा लोग चाहिए क्या, तो नॉर्मलिटी चाहिए, और नॉर्मलिटी की फॉर्मूला क्या होती है, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये किसके टर्म में, तो मिलीलीटर के टर्म में, और ये ग्राम के टर्म में। ये पता है, ये पता है, ये तो है ही, मुझे ये पता नहीं है इक्विवेलेंट वेट मुझे निकालना पड़ेगा। तो NaOH की इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH इक्वल टू कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH। तो NaOH की मुझे चाहिए क्या, मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। ये देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस पे बेस्ड ऑन हमारा आ गया ना, तो NaOH की मॉलिक्यूलर वेट मैं निकाल लूं यहां पे, सोडियम के लिए 23 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 प्लस 1, ये मेरा कितना आ गया 40 बाय वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ OH माइनस कितना मुझे दिया हुआ है सर, 1 बाय 1, मुझे कितना मिल गया यहां पे 40। आप पुट कर दें, वेट ऑफ सॉल्यूट मुझे कितना मिला हुआ है, 0.4 इंटू 1000 डिवाइडेड इक्विवेलेंट वेट मुझे कितना मिला है, 40 इंटू क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम मुझे कितना मिला हुआ है 40 मिलीलीटर। 40 पुट कर दूं मैं, उड़ाओ इसे, 10 2 1 2 3 1 2 3, ये 4 से 4 गया, कितना मेरा आ गया सर 1/4, मतलब कि 0.25 आंसर। कोई दिक्कत, इसे नोट कर लिया आप लोग। आई थिंक आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे, एक क्वेश्चन हम लोग और बनाएंगे। बच्चा लोग हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, आप लोग इस क्वेश्चन पे तो ध्यान दीजिएगा, फाइंड आउट द मास ऑफ H2SO4 इन 150 मिलीलीटर N/7 H2SO4। ये कहने का मतलब क्या है, ये कहने का मतलब है कि हमारे पास कोई H2SO4 सॉल्यूशन है। H2SO4 सॉल्यूशन कहने का मतलब है एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पर सॉल्यूट के तौर पे कौन अवेलेबल है, H2SO4, और यहां पर कोई अदर सॉल्वेंट होगा। ये सॉल्यूट है सर, तो बी सॉल्वेंट के लिए मैंने ए लिखा। इसकी ये दिया गया है N/7 H2SO4। ये कहने का मतलब है कि इस सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी है वो कितना दिया गया मुझे, 1/7 N/7, मतलब 1/7 इसकी नॉर्मलिटी है। और फाइंड आउट द मास ऑफ H2SO4, मुझे बोला जा रहा है इसका वेट निकालने के लिए, और वॉल्यूम की सॉल्यूशन मुझे वॉल्यूम कितना मुझे दिया हुआ है, 150 मिलीलीटर। तो 150
मिलीलीटर। तो बच्चा लोग नॉर्मलिटी आ गया है, मुझे चाहिए इसका इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कैसे निकालेंगे? तो H2SO4 की मॉलिक्यूलर वेट, तो 2 × 1 हाइड्रोजन के लिए, यहां मुझे क्या दिया वैसे सल्फर के लिए 32 प्लस 4 × 16 ऑक्सीजन के लिए, इसकी वैलेंसी फैक्टर यहां पे कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं 2/2। वैसे मैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 निकाल चुका हूं ना, इसे सॉल्व कीजिए आपका आएगा ये 98/2 = 49। अब हम लोग पुट करते हैं, तो बच्चा लोग नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। वेट मुझे कितना, वेट तो एक्चुअली निकालना ही है, इंटू 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट मुझे कितना आया है 49 इंटू वॉल्यूम मुझे कितना दिया हुआ है सर 150 मिलीलीटर 150। नॉर्मलिटी मुझे कितना दिया गया है 1/7। यहां से वेट निकालें आप लोग, वेट इज इक्वल टू ये सब कैसे जाएगा, इसे कटा दूं मैं 7 से 7 बार में, यहां से ये जाएगा चला जाएगा 5 से 5 3 = 520। तो यहां देखिएगा सर, यहां से वेट मेरा कितना जाएगा सर, वेट इज इक्वल टू 7 × 3 कितना आएगा 21/20 ग्राम आंसर। सिलेक्ट कर लीजिएगा आप लोग सर। चलिए बच्चा लोग इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। बातें करेंगे सर नॉर्मलिटी कुछ और फॉर्मूले की। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हम लोग अब तक देखे हैं वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। आइए सर मोलरिटी की बात करेंगे, हम लोग समझेंगे मोलरिटी के तर्ज पे। तो आपने मोलरिटी में मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था इज इक्वल टू परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 बाय मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट की जगह पे आप क्या रख दीजिए सर इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर ये मोलरिटी कन्वर्ट किसमें हो जाएगा हमारा नॉर्मलिटी में, कुछ याद आ रहा है? हम लोग मोलरिटी इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला पढ़ा था परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू, यहां पे अच्छा रहेगा आप लोग अमाउंट कर ले, परसेंटेज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू डेंसिटी यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में लिखना चाह रहा हूं, यहां मैं लिखा स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू क्या होता था सर 10 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या सर सॉल्यूट। तो आप मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे क्या पुट करते हैं इक्विवेलेंट वेट, हमारा मोलरिटी कन्वर्ट किसमें हो जाएगा नॉर्मलिटी में। तो मैं मोलरिटी की जगह पे लिखना चाह रहा हूं नॉर्मलिटी, इसको मैं लिखूंगा नॉर्मलिटी, ये मेरा क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट, बाकी ये सब तो ऐसे ही रहेगा ना। तो परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 10 डिवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। चलिए सर एक और फॉर्मूला समझते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू हम लोगों ने देखा था स्ट्रेंथ के टर्म में, तो मोलरिटी इज इक्वल टू था फॉर्मूला स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इसको मैं पुट करना चाहता हूं नॉर्मलिटी के टर्म में, तो स्ट्रेंथ तो रहेगा ऐसे ही स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा यहां पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। और आप लोग इक्विवेलेंट वेट अच्छे ढंग से निकालना जानते हैं, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है इक्विवेलेंट वेट बोलिए
चाहे इसको ई बोलिए, बात बराबर है, इक्वल टू गिवन वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। इसे नोट कर ले आप लोग, इसे नोट कर ले, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। चलो हम बात कर रहे थे इन केस ऑफ डाइल्यूशन की, डाइल्यूशन की किसकी बात करेंगे, यहां पे हम लोग देखना चाहेंगे क्या केस हुआ, समझेंगे सर होता क्या है डाइल्यूशन। तो समझ चुके हैं कि डाइल्यूशन होता क्या है, मोलरिटी के भी केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि डाइल्यूशन को कैसे डील करते हैं। डाइल्यूशन यानी किसी सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्वेंट एक्स्ट्रा ऐड करेंगे उसमें, फिर देखेंगे कि हम लोग नॉर्मलिटी में क्या फर्क पड़ता है। हमारे पास में पहले कोई सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन वन, इसमें अपनी इसकी कोई नॉर्मेलिटी होगी, हमने माना इसका एन वन, इसका अपना वॉल्यूम होगा वी वन। अब मैं इसको डाइल्यूट करता हूं, तो मैंने इसमें क्या किया, ऐड किया, क्या ऐड किया सर, सॉल्वेंट को ऐड किया, तब यह कन्वर्ट हो जाएगा किसी दूसरे सॉल्यूशन में, मैंने इसे क्या बोला, सॉल्यूशन टू। अब इस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी चेंज हो चुकी होगी और इसके वॉल्यूम में क्या हो चुका होगा, चेंज हो चुका होगा, तब जो हमारे पास इक्वेशन मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, एन वन वी वन इजकल टू क्या, एन टू वी टू। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड नॉर्मेलिटी इक्वेशन। यह ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसा कि हम लोगों ने मोलरिटी में देखा था, वहां पे हम लोग क्या देखते थे, m इंटू बी कॉन्स्टेंट होता है, यहां पे मुझे क्या होता है सर, n इंटू बी मेरा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। क्यों, क्योंकि सर इन केस ऑफ डाइल्यूशन हमारा जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है वह चेंज नहीं होता है, और मोलरिटी में हम लोग देखते थे कि सॉल्यूट का मोल वह चेंज नहीं हो रहा है। यहां पर नॉर्मेलिटी केस में मोल के जगह पे हम लोग क्या लेते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि हमारा जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है वो हमारा चेंज नहीं करेगा। तो इसमें हमारा जो डाइल्यूशन का केस होता है उसका ट्रिक क्या है सर, दो बात समझेंगे। नंबर पहला कि n इंटू वी हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा कॉन्स्टेंट लेते हैं, और n इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड क्या, वॉल्यूम, n इंटू वी कॉन्स्टेंट मतलब क्या, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू वी, ये मेरा क्या है सर, कॉन्स्टेंट, इसका मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ये मेरा क्या होगा सर, नंबर। बातें समझ में आ रही है, ये हमारा है डाइल्यूशन का केस, इसको आप लोग नोट कर लें, आप लोग नोट कर चुके हैं, मैं इसे इरेज कर दूं। बच्चा लोगों हम लोग देखेंगे इसमें, आप अगला केस हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसे टॉपिक ही बोल दीजिए, नॉर्मलिटी में हम लोग पढ़ेंगे सर इन केस ऑफ मिक्सिंग। हम लोग सॉल्यूशन को मिक्स करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन को मिक्स कैसे करेंगे थोड़ा समझते हैं। मिक्सिंग के केस में हमारे पास दो कंडीशंस आ सकती है, नंबर पहला हो सकता है कि हम लोग एसिड को एसिड के साथ मिक्स करें, या फिर बेस को बेस के साथ ही मिक्स करें, और अगले केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसिड को मिक्स कर दें बेस के साथ, या फिर बोलिए बेस को मैं मिक्स कर रहा हूं एसिड के साथ, ये दो केस हम लोग पढ़ेंगे।
एसिड को जब बेस के साथ मिक्स करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, न्यूट्रलाइजेशन की कंडीशन हो सकती है। ये कैसा कंडीशन मुझे दे देगा, कंडीशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यहां पर तो हमारा न्यूट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, हम लोग पहले इसकी बातें करेंगे, केस वन की बात करते हैं। हम लोग मिक्सिंग कर रहे हैं किसको किसको सर, एसिड को एसिड के साथ मिक्स कर रहे हैं। तो हम लोग एसिड को एसिड के साथ मिक्स कीजिए या फिर बेस को बेस के साथ मिक्स कीजिए, हम लोग इसका पढ़ने वाले हैं। किसी भी चीज का एक देख लीजिए, दूसरे से हम लोग काम कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं सर, मैं ले लेता हूं एक कोई एसिड वन, इसे मैं मिक्स कर रहा हूं दूसरे एसिड में, या इसी तरीके सौ मैं मिक्स करता गया और हमारे पास नेट क्या मिल गया, सॉल्यूशन। अब इसकी नॉर्मिलिटी एन वन, इसकी वॉल्यूम वी वन, इसकी नॉर्मिलिटी एन टू, इसकी वॉल्यूम वी टू, और इस सॉल्यूशन की नॉर्मिलिटी नेट क्या होगी एन, और इसकी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा मेरा सर, सब वॉल्यूम का सम, ये मुझे क्या देगा वी वन प्लस वी टू प्लस, और इसकी नॉर्मिलिटी मैंने क्या लिया एन, मुझे चाहिए क्या एन। हम लोग क्या समझेंगे सर, एन इंटू बी क्या रहता है हमारा कॉन्स्टेंट। मैं यहां से देखूंगा ये लेफ्ट साइड की एन इंटू बी क्या होगी कॉन्स्टेंट, एन इंटू बी हमारा क्या रहता है कॉन्स्टेंट। इसका मतलब हमारे पास कितने हो जाएंगे, मैं यहां पे लिख सकता हूं एन वन इंटू वी वन प्लस एन टू इंटू वी टू प्लस, यह जाएगा किसके बराबर n इंटू नेट भी। यहां पे मेरा n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू एन वन वी वन प्लस एन टू वी टू प्लस, और ये भी नीचे आएगा, v की वैल्यू क्या होगी वी वन प्लस वी टू। ये मेरा रिजल्टेंट सॉल्यूशन की, ये n क्या है सर, इस सॉल्यूशन की नेट नॉर्मिलिटी, नॉर्मिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलेगा सर, ये हम लोगों ने केस देख लिया। अब बातें मैं किसी करूंगी सर, केस टू की, इसे आप लोग नोट कर लें। मैं सीरेज कर देता हूं, हम लोग केस वन देख चुके हैं जब मैंने एसिड को एसिड मिलाया या फिर बेस को बेस मिलाया। मैं केस टू पढ़ना चाह रहा हूं, केस टू हमारा क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया जब आप एसिड और बेस को मिलाएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, या होगी, बिल्कुल होगी। ये हो सकता है सर कि किसी केस में कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर जाए या किसी केस में इनकम्प्लीट कर जाए, लेकिन कंडीशन तो होगी ना न्यूट्रलाइजेशन की। मैं इसे क्या बोलूंगा सर, कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखिए, जब भी हम किसी एसिड को मिलाते हैं बेस में तो मुझे मिलता क्या है सर, सॉल्ट, और क्या मुझे मिलता है, वाटर। इसी को तो हम लोग बोलते हैं सर कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मैं एसिड को मिला रहा हूं बेस में, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं व्हेन एसिड बेस आर मिक्स्ड देन न्यूट्रलाइजेशन विल बी अकर। चलेगा सर, यहां पर दो केस आ सकते हैं जब आप एसिड को बेस में मिलाते हैं, यहां पर दो केस आएंगे। हो सकता है कि यहां पर हमारा कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर जाए, क्या हो जाए सर हमारा कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर जाए। कंप्लीट कब न्यूट्रलाइज करेगी,
जब एसिड की पावर और बेस की पावर दोनों क्या कर जाए सर, सेम हो जानी चाहिए। इसका मतलब मैं यहां पर ले रहा हूं, आपने एसिड को मिलाया बेस के साथ में और मुझे ये क्या दे रहा है, कोई सॉल्यूशन। मैंने माना एसिड की नॉर्मलिटी क्या है, Na, और इसकी वॉल्यूम मैंने क्या लिया, Va। बेस की नॉर्मलिटी मैंने लिया Nb और इसकी वॉल्यूम मैंने क्या लिया, Vb। देखिए कंडीशन फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, इसके लिए हमारे पास NaVa इक्वल टू क्या होना चाहिए सर, NbVb। यानी कि इसका जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होना चाहिए, तब जाकर के हमारा सॉल्यूशन जो होगा वह कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो पाएगा। अब यहां पर मैं अगर इस सॉल्यूशन की नेट नॉर्मलिटी में बोलता हूं एन, और इसकी नेट वॉल्यूम में क्या बोलता हूं, वी। इसका वी, ये एन तो मुझे निकालना है, इसकी नेट वॉल्यूम क्या होगी सर, वी ए प्लस वी बी। तो सर मैं देखना चाहूंगा यहां पर, तो इसकी जो नॉर्मलिटी होगी एन इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, यानी तो इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लीजिए, यानी तो आप इसका लीजिए, एन ए वी ए दोनों तो इक्वल मारा है ना, बाय यहां पे हम लोग क्या लेंगे, नेट वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा सर, वी ए प्लस वी बी। ये एन मेरा क्या है सर, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसे नोट कर ले आप लोग। तो बच्चों लोग इरेज कर दूं मैं, अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ी सी मैं मिक्सिंग में। दूसरा केस पढ़ूंगा जब हम लोग ये देखेंगे कि एसिड और बेस को मिलाए, तो एक बार हमारा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा था, तो हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी रिजल्टेंट नॉर्मलिटी क्या होगी, NaVa या फिर NbVb बाय Va प्लस Vb। अब मैं देखना चाहता हूं कंडीशन फॉर इनकंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, इनकंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन मैं इसकी बातें करना चाहता हूं। इनकंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कहने का मतलब क्या है सर, जब आप एसिड को मिलाएंगे बेस के साथ में तब आपका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, चलेगा सर, कोई सॉल्यूट कोई सॉल्वेंट हो सकता है। हमने इसकी नॉर्मलिटी माना Na, इसकी वॉल्यूम मैंने माना Va, इसकी नॉर्मलिटी मैंने क्या बोला Nb, इसकी वॉल्यूम मैंने क्या बोला Vb। अब समझिएगा हमारी बात को, यहां पर जो हमारा सॉल्यूशन होगा इसमें सॉल्ट और वाटर जो होगी, अब एक बात आप जन समझ सकते हैं इस सॉल्यूशन में किसका किसका मिक्सचर होगा सर, सॉल्ट प्लस वाटर, हर मतलब समझिएगा। ये सॉल्ट दो केस में बट सकता है, या नहीं तो सॉल्ट की नेचर कैसे हो सकती है, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कब होगी, जब इसका पावर ज्यादा हो जाए इसके रिस्पेक्ट में, यहां पे पावर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को, यानी कि यहां पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये कैसे निकालते हैं हम लोग, है Na इंटू Va से निकालेंगे, यानी कि यहां पर हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड ग्रेटर देन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। यानी कि यहां पर अगर NaVa की वैल्यू NbVb से ज्यादा हो जाए तब हमारा सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगी, और अगर हमारा सॉल्ट का नेचर कैसा होना चाहिए, बेसिक। इस कंडीशन में NbVb की वैल्यू, NbVb की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होनी चाहिए, तो NaVa के रिस्पेक्ट में, तब हमारा सॉल्ट का नेचर क्या हो जाएगा सर, बेसिक। दोनों केस में सॉल्यूशन की हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। आइए मैं बातें करता हूं थोड़ी सी, तो नंबर ए इन केस ऑफ एसिडिक सॉल्ट, इन केस ऑफ एसिडिक सॉल्ट, देखिए सर ये बात तो साफ है
कि हमारा n into v क्या हम लोग लेते हैं, कांस्टेंट लेंगे। तो एसिड के लिए NaVa, बेस के लिए NvVb, और सॉल्यूशन मेरा क्या होगा सर, n into v मुझे लेना है, इसका मैं n करता हूं, इसका मुझे v, ये तो मुझे निकालना है। इसकी जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी सर, Va plus Vb। वॉल्यूम तो हमारा क्या होगा सर, दोनों को ऐड करेंगे ना, Va plus Vb। तो बच्चों लोग बात को समझिएगा, एसिडिक सॉल्ट के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो NaVa की वैल्यू क्या होगी सर, ज्यादा होगी। यहां पे मुझे क्या क्या है, एसिड और बेस है, मैं दोनों की यहां पे नॉर्मलिटी लिखना चाह रहा हूं। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे सर, NaVa। बेस के लिए मैं क्या लिखूंगा यहां पे, NbVb, और नेट सॉल्यूशन के लिए मैं क्या लिखूंगा सर, N into V। दोनों की नेचर अलग अलग हो चुकी है, जिसकी अमाउंट ज्यादा है उसको पहले लिखे, जिसकी अमाउंट कम है मतलब क्या, सॉल्ट का नेचर अगर एसिडिक है तो एसिड के लिए जो आप Na into Va लिए हैं उसमें माइनस कर दीजिए किसको, Nb into Vb को। तो बच्चा लोग बात को समझिएगा, एसिडिक सॉल्ट में इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा, तो बड़े वाले में छोटे वाले को घटाएंगे और नेट लिखेंगे हम लोग क्या, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां पर मैं अगर एन निकालना चाहूं तो हमारा एन क्या हो जाएगा सर, एन ए वी ए माइनस एन बी वी बी बाय बी। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, वी ए प्लस वी बी, चलेगा। ये जो एन हमारा है ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट नॉर्मलिटी, रिजल्टेंट नॉर्मलिटी ऑफ एसिडिक सॉल्ट, चलेगा। चलिए इधर मैं इरेज कर देता हूं। इसी तरीके से आप बेसिक सॉल्ट के लिए निकालिए। तो बच्चा लोग नंबर बी के मैं बातें करूंगा, इन केस ऑफ बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट के लिए क्या हमारे पास होगा सर, NbVb की वैल्यू क्या होगी, NaVa से ग्रेटर देन होगी। तो आप क्या करेंगे, ठीक इसी तरीके से NbVb में माइनस करेंगे किसको, आप बात को समझिए सर, हमारे पास N into V क्या है, कांस्टेंट है बच्चा लोग, इधर इक्वल टू के इस साइड एसिड और हमारा क्या है बेस, ये N into V दो चीजों में बटेगी, एक एसिड के लिए अलग से लेंगे, एक क्या लेंगे बेस के लिए, और ये जो इस साइड अगर जाएंगे हम लोग उधर हमारा क्या है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मेरा कैसा है बेसिक है ना, हमारा सॉल्यूशन कैसा है सर बेसिक, मतलब इसकी जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगी वो ज्यादा होगी एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट के रिस्पेक्ट में, बड़े वाले में छोटे वाले घटाएंगे, घटाएंगे ना। इसका वैल्यू क्या है सर दिया हुआ, बोलिए एन बी वी बी में माइनस करें किसको, एसिड की नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो एन ए वी ए इक्वल टू बेसिक सॉल्यूशन के लिए क्या लेंगे हम लोग, एन इन टू वी, तो ये एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, NbVb माइनस NaVa डिवाइडेड, इस V की वैल्यू क्या होगी सर, Va प्लस Vb। ये जो आपको N मिला है ये मेरा क्या है, रिजल्टेंट नॉर्मलिटी ऑफ बेसिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्यूशन। चलिए सर इसको नोट कर ले आप लोग।